हाय गाइस, दिस इज वे मोहम्मद एंड यू आर टू माय यूट्यूब चैनल मोमोटो। मतलब ज्यादा पब्लिक को धमका रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, सॉरी। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो मोस्टली किसी ने नहीं बनाया होगा आई गेस। स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा इन रमजान, सही भाई टाइटल, ज्यादा इन हो गया, लेकिन ये वीडियो इन हो जाएगी अभी। तो हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं, इस व्लॉग में पर्टिकुलरली, कि स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है कनाडा के अंदर एज अ मुस्लिम गाय इन रमजान। तो अभी हम लोग मतलब शहरी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिखा दो भाई, स्टूडेंट लाइफ है तो शॉर्टकट ढूंढेगा आदमी, तो उसके लिए अंडा भुर्जी, ठीक है। हाँ भाई, वो देख ली पब्लिक है ना, जूम करके मत दिखाओ, दो चार लोग कमेंट में खामी निकाल देंगे अपने अंडा भुर्जी, क्योंकि शहबाज भाई ने बनाया, ठीक है। और मैं बताता हूँ, इधर आओ, चप्पल बाहर निकाल के आने और आसानी के लिए दाल, ठीक है। ये दाल सब डाल लो एक साथ कुकर में रेडी। और आसानी के लिए चावल, चावल ही दिखाऊंगा, चावल थोड़ा सा फेल हो गया, चलता है भाई, स्टूडेंट लाइफ है ना, तो स्टूडेंट लाइफ में सब चलता है, ठीक है। और ये बना रहे हम लोग अपना प्रोटीन शेक, ये सारे ड्राई फ्रूट पीस पास के इसको दूध दूध में पका पका के इंशाल्लाह शहरी में इसको इसका उपयोग किया जाएगा। इसको बोलते क्या भाई, वो मत पूछो, जो यूपी वाले रहेंगे उन लोग समझ जाएंगे। खैर, आप भी यूपी, आप ही बता दो क्या है, बताओ। चलो, मेरे को तो याद नहीं, क्या है ये, क्या है, क्या बोलते हैं, तरी बोलते हैं ना, क्या मालूम क्या बोलते हैं भाई, मेरा इम्तिहान ले रहा है बंदा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपको बताते हैं कल हम लोग क्या करते हैं, कैसा है। इंटरेस्टिंग वीडियो है ना भाई, स्टे ट्यून, स्टे ट्यून। मैं भी जब कनाडा आने से पहले मैंने भी सोचा, बहुत देखा था कि मतलब मुस्लिम्स इन कनाडा, ये वो सर्च करता था, तो इतनी कुछ मिल रही थी नहीं, एक बस अब्दुल कलाम भाई की वीडियो मिल जाती थी, एक 15-20 मिनट की, जो भाई आके बताते थे कैसा है क्या है क्या नहीं। तो इंशाल्लाह मैं भी सोच रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ बताने की। और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं बाहर वाले लोगों के, कि कनाडा में क्या होता है, कैसा मुस्लिम लोग के लिए सही जगह है नहीं है, वो सब, तो इंशाल्लाह वो सब भी दूर करूंगा। अभी थोड़ी अपनी बातचीत चल रही है हायर मैनेजमेंट से, और एक वो भी तो है फिरोज खान, वो फिरोज खान को छोड़ो, चीचा उचा को छोड़ो, इंशाल्लाह कोई ढंग के बंदे को ले जाऊंगा इंशाल्लाह, जो आपको बताएगा, जो यहाँ पे रहा हुआ है, यहीं पे पैदा हुआ हुआ है, और उसका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा है क्या नहीं है। तो देखते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को कैसी लगती है वीडियो, तो बस स्टे ट्यून, इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। ज्यादा इंशाल्लाह बोल रहा हूँ, बस अब बंद करो, अब सीधा शहरी पे स्किप। अरे वो तो मैं बताना भूल गया कि इसको पीसेंगे अभी। और सबसे बड़ी बात, फ्री का मिक्सर है भाई, वो काम बलवा करता है एकदम, एंड गेम। अब वो कहाँ से आया, वो कुछ लोगों को पता होगा जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, जो अब मेरे चैनल पे नहीं है, मतलब मैंने उसको अनलिस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। उधर से लोगों को पता चलेगा कहाँ से आया है भाई। अभी पराठा खाने का मन कर दिया, मतलब भाई अभी रमजान में पराठा की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ताकि ईद को भेजे के साथ पराठा अच्छा बन पाए। कभी बनाया नहीं लाइफ में, अभी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं इंशाल्लाह ताला कैसा बनता है, क्या हिसाब है, अपने हिसाब से बना रहा हूँ, जो ऑब्जर्व किया हूँ, ऑब्जर्व बोलते हैं ना भाई, बिल्कुल थोड़ा स्लिप ऑफ टंग ज्यादा हो जाती है मेरी, तो ऑब्जर्व जितना किया हूँ मैं, वो हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। और भाई अभी चलो पानी ले जाओ गर्म, थोड़ा पराठा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शहरी के लिए बन रहा है। और सीख किसके ले रहे हो पराठा बनाना, पानी लेके आ भाई, पानी लेके आ। देखिए कितना बढ़िया हस्बैंड मटेरियल कोई लगाई है तो। ओ अरे मोहम्मद, क्या छुपा रहे हो, ये इसमें बहुत नायाब चीज है, ऐसा क्या। अच्छा ऑडियंस, अभी तो लोगों ने देखा था कि आटा में सान रहा हूँ तो कैसा होगा, ऑफ कोर्स लोग बोलेगा जिंदगी में पहली बार सान रहा है, हग्गा करेगा, गीला कर देगा। ओहो ये तो परफेक्ट हुआ, तेल लेके बैठा था मैं कि अगर चिपक जाएगा तो मैं उसको तेल वेल लगा के पोछूंगा, और प्रो नीट एंड क्लीन, यस। सब देखते हैं पराठा कैसे बनता है। तो दोस्तों जो भी आप देख रहे हैं, किचनर, कैम्ब्रिज, वाटरलू, ब्रैंडफोर्ड, स्टैटफोर्ड गल्फ, ये एरिया में कहीं भी आपको अगर बावर्ची का जॉब है आपके पास, तो मैं आ सकता हूँ, मेरे पास खुद की गाड़ी है, पर्सनल व्हीकल है, तो मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूँ। कॉन्टेक्ट करें दोस्तों, नीचे गए हुए इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करें। ये बेलन, इसको मैंने गलती से धो दिया, ठीक है। अब ये मसला मसाइल हो गया, उसका भी मैं हैक बताऊंगा दोस्तों आप लोग को। आपको चूल्हा हाई पे करना है, उसको सेक देना है,
पानी जल जाएगा वो, ठीक है, इसको मैं बाद में करता हूँ उसका मसला। अनबॉक्सिंग करना इम्पोर्टेंट है अभी, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं इस बेलन की, कनाडा के हमको 3 महीना हो गया है और अब हम जाके इसको खोल रहे हैं। वैसे अभी हम लोगों ने यहीं से खरीदा है, ये $20 का है, वो $10 का है ना, ऐसी हाँ वही है। तो देखते भी पराठा कैसे बनता है, इतनी वीडियो तो बना ली, अभी बेइज्जती ना हो जाए बस। अभी अभी इसकी तेल जैसी बदबू आ रही है, इसको भी थोड़ा देख लेता हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। आटा तो अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मेरे को, ऐसा ऐसा मतलब इतना प्रो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं मेरे को ऐसा लग तेल गिर गया फीस, ये सब होते रहता है दोस्तों, इग्नोर करें इसको, तेल इधर गिर गया है। लग तो रहा है कि ठीक बनेगा, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाह करके बनाया हुआ अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों मोहम्मद का पहला पराठा हो गया रेडी। दोस्तों आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें लेयर नहीं निकली, लेकिन है उसमें, ब्रश वश कुछ भी नहीं किया हूँ, सुबह उठा हूँ सैरी के लिए और मैं कुछ भी किया था वीडियो बनाने के लिए, तो अपने हारिज भाई ने अच्छा याद दिला दी वीडियो वीडियो बनाने का। बाकी ये लोग ये है अपना पराठा, एकदम कड़क पराठा बोलते हैं ना वो है, एकदम बलवा जैसे मेरे अप्पा को पसंद है, मुझे भी एकदम लेयर वेयर तो छोड़ रहा है भाई, अप्रिशिएट है एकदम चिकन की ग्रेवी है ना ये, किसने बनाई है ये, कौन बनाया? पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। अच्छा हम लोग के घर का सेंसर खराब है, ये तो एप्रिशिएट हो जाता पराठा बनाने के लिए, एप्रिशिएट है। बस 911 चलो फिर ये करते हैं पूरा और फिर सैरी करते हैं। यस सर, हमने थोड़ा रात में सेक के रख लिए थे ताकि सुबह में थोड़ा सा इजी और फास्ट प्रोसेस हो जाए, नहीं तो फिर वो चिपक जाता अगर उसमें सब खाली मेला हुआ तो हग्गा हो जाता बहुत बड़ा, तो फिर उसके बाकी तो अभी परफेक्ट लग रहा है भाई, क्या बोलते हैं भाई, एकदम परफेक्ट परफेक्ट क्रिस्पी पराठा, लेयर भी छोड़ रहा है जैसा घर में बनता है वैसा। चलो एक अपना हाथ साफ हो गया तो क्या अपना ईद में बन जाएगा। चिकन ये नहीं, मतलब ये साकिब भाई के द्वारा बनाया हुआ, नहीं नाड़ा लटक रहा साकिब का, तो मारूंगा सारे नींद में, नींद सब नींद में तो गुस्से में सब लोग, देखो शक्ल देखो तो लग ही रहा है, नहीं लग रहा है शक्ल देखो गुस्से में, मैं तो नहीं हूँ गुस्से में, नहीं तो चुप हो जाए भाई को बहना तो नहीं किया तो भाई भाई मार, ये भाई तो एकदम तपे हुए, बोले फोन रखते हो अभी बताता हूँ साले बोलो ना भाई कुछ, अभी बोलेंगे 20 मिनट बाकी है ऐसी आ रही है भाई। हाँ दोस्तों आज जैसे कि फ्राइडे है तो अभी हम लोग सोके उठ गए, तैयार हो गए, कुर्ता उर्ता पहन के, देखो चीचा अभी तक गुस्से में हो, शहरी से गुस्से में ही बंदा पता नहीं क्या हो गया है, माफी मांग रहा हूँ माफ भी नहीं कर रहा है बंदा, बता रहा भी नहीं क्या हुआ। और ये स्मार्ट बॉय 59 क्या मैं इसको बोल रहा हूँ फिर आई डी का मतलब बता रहा हूँ चेंज करने के लिए, क्या है चेंज नहीं कर रहा और सब फुल कॉपी वॉपी करता है भाई, चीटर है चीटर है ये, चैट जीपीटी यूज करता है, टेक बॉय टेक सेवी है ये। सो जब मैं आया था यहाँ पे कनाडा तो फुल इनर इनर के ऊपर कपड़े, कपड़े के ऊपर एक स्वेटशर्ट जैसा कुछ, फिर उसके ऊपर जैकेट टोपी मफलर वो गले वाला आइटम शूज सब रहता था, और अब देखो शूज गॉन चप्पल ऑन और भाई लोग फुल एकदम, चलो भाई तो स्मार्टी भाई की बात अलग है, बोला था ना भाई का क्या स्मार्टी 59 भाई, चलो ना भाई कम ऑन, चलो सर मैं तो चप्पल में चल रहा हूँ भाई, और धूप भी निकली हुई अच्छी, गाड़ी वार्म अप हो रही है अपनी। अच्छा ये गाड़ी के बारे में तो बता दिया था एक वीडियो में, उसके बारे में नहीं बताया था, तो वो है अपनी साकिब भाई की गाड़ी, ये वाली है मेरी, और मैंने इसके
रिम्स चेंज कर दिया हूं 16 इंचेस नाइस भाई एकदम शरीफ बन गए मस्त आ गई है टोरंटो की कहां है अभी दिखा नहीं सकता इतना भारी कैमरा नहीं अपने पास हरीश भाई ये तो टोपी पहन लिया बेचारी टोपी अंदर चली गई बस देखो ये हमारी मस्जिद है यहां पे इस्लामिक क्या नाम है भाई सॉरी आईसीसी इस्लामिक सेंटर ऑफ कैम्ब्रिज बहुत ही जबरदस्त मस्जिद है इफ्तारी का इंतजाम सब रहता है इधर ईद बाजार यप बता रहे थे ये देखो ये स्कूल है यहाँ पे इस्लामिक स्कूल है ईद बाजार की एक छोटी पेशकश है ईद बाजार की है जल्दी करो टोरंटो चलना है पूछ लो कितना है मैजिक एक्सप्रेस का हम लोग ईद बाजार में आ गए घर जाते जाते रास्ता बदल गया मालूम नहीं था ये कूपन मिल रहा है अभी ये जो कूपन था ये कूपन इसके लिए लकी ड्रॉ के लिए ये खाने के लिए कूपन खाना है इसके पीछे लिखा हुआ है कि हमको क्या मिला है हमको पता नहीं था अपी ने हमको बताया तो ये क्या है ये एंट्री कूपन है ये भी लकी ड्रॉ का है तो उसको भी भरना है पीछे से तो सब भरते हैं भाई इधर आओ इधर वो सब जाना छोटी छोटी चीजें क्या लोगे घर दिलाता हूँ हमारे आशीष भाई हैं IQI रियलेटर यहाँ के कनाडा के तो आपको कनाडा में कहीं भी घर लेना है आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं ये इनका नंबर है ये ईमेल आईडी ये ब्लर हो रहा है ये इनका ईमेल आईडी है वेबसाइट है एंड फोन नंबर है आशीष भाई ट्रस्टेड इन कनाडा IQI एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन बाय प्रॉपर्टी या डजंट मैटर नाइस हाँ ये यहाँ हर जगह पाकिस्तान थाईलैंड मलेशिया चाइना ऑस्ट्रेलिया जापान हर जगह है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो सही है अब स्टार्ट होने वाली ओजी वीडियो जो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे इफ्तारी कैसी होती है मस्जिद में सो देखते हैं इंशाल्लाह क्या है हमारा मोटिव ये है कि मतलब जो प्रस्पेक्टिव सबका है और जो हमारा भी था यहाँ पे आने से पहले कि मतलब कनाडा में दीन को लेकर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस हिसाब से तो उसको प्रॉपर वे में दिखाना है कि मतलब भाई ऐसा नहीं है कनाडा में मतलब यहाँ पे भी मुस्लिम होते हैं और बहुत ही प्रैक्टिसिंग होते हैं मुझे तो लगता है इंडिया से ज्यादा प्रैक्टिसिंग और सही होते हैं है कि नहीं भाई तो फैमिली है पूरी प्रॉपर हाँ भाई इमाम साहब ने क्या बोले थे मैसेज में क्या यू डोंट हैव फैमिली वी आर योर फैमिली हाँ एग्जैक्टली असल में यहाँ पे फैमिली हल्का था तो हमको मतलब ऐसा लगा कि फैमिली हल्का मतलब ओनली फॉर फैमिली वाले तो मैंने इमाम साहब को मैसेज किया
कि भाई मैं फैमिली नहीं हूँ, मैं आ सकता हूँ क्या? हम लोग चार लड़के, हम लोग आ सकते हैं क्या? तो बोले भाई फैमिली मीन्स ओपन टू ऑल, मतलब कोई भी आ सकता है, बच्चे बच्चे बड़े बूढ़े जेंट्स लेडीज सब लोग. तो उन्होंने हमको बोला था कि वी आर योर फैमिली, सो वी आर फैमिली हियर इन आवर कनाडा. Allah.